सोचिए किसी बच्चे में जन्म से ब्रेन ही ना हो तो क्या होगा। जबलपुर में एक परिवार ने ऐसे ही दो बच्चों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। परिवार की कमाई इतनी नहीं कि दोनों दिव्यांग बच्चों को पाल सके। वहीं कलेक्टर से मदद की उम्मीद लेकर पहुंचे थे कि कुछ आर्थिक मदद मिल जाए। एक बच्ची को 600 रुपए पेंशन की व्यवस्था तो हो गई तो दूसरे को 5 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा। अब मुश्किल ये है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, जिंदगी का भी भरोसा नहीं है। जबलपुर के मंडी मदार टेकरी में रहने वाले शाहिद कुरैसी की 3 बेटियों में 2 के जन्म से ब्रेन ही नहीं था। एक तो 15 साल की हो चुकी है तो 1 की उम्र 3 साल है। तीसरी बेटी स्वस्थ है। ब्रेन ना होने से उनकी 2 बेटियों के शरीर में जरा भी हलचल नहीं है। उनको जिस हालत में छोड़ दो उसी हालत में रहती हैं। शाहिद ने बताया कि दोनों बेटियों के इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए हैं पर राहत रत्ती भर भी नहीं मिली। शाहिद की दोनों ही बेटियां जन्म से दिव्यांग हैं। जबलपुर के अलावा नागपुर भोपाल तक इलाज करवाया पर सुधार नहीं हुआ। शाहिद के मुताबिक उनकी बेटियों की बीमारी को डॉक्टर तक नहीं समझ पा रहे, सिर्फ बेटियों का ब्रेन नहीं होने की बात कहते हैं। शाहिद कुरैसी मजदूरी करते हैं, दोनों बेटियों के इलाज में लाखों रुपए भी खर्च कर चुके हैं, अब तो काम धंधा भी नहीं बचा। पानी और दूध पर दोनों बेटियां जिंदा हैं। ये कि हमारी दोनों बच्ची विकलांग है, मानसिक रूप से उनका ब्रेन नहीं है। कलेक्टर साहब के पास के वही हमने बोले बीमा के लिए, तो उन्हें अभी सब चीज़ का ऑर्डर कर दिए, 1200 रुपये उनका कर दिए। एक बच्ची का किए हैं और एक बच्ची का वो कर रहे हैं और दूसरी बच्ची बोले जब तक वो 6 साल की नहीं हो जाएगी जब तक नहीं करेंगे। तो एक का यानी वो कर रहे हैं और एक का बीमा कर रहे हैं। और हम तो अभी बेरोजगार, अभी तो कुछ नहीं करते, बेरोजगार हैं अभी। हाँ, कलेक्टर के मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ यानी मदद किया अभी ने, और हमारी पूरी योजना के पूरा आर्डर कर दिए सबको, पूरे लोगों को बुला के सब लोगों को कह दिए कि जो जो स्कीम अगर विकलांग में जो भी आती है सब इनको करी जाए और तत्काल करी जाए। कलेक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ। दोनों बच्चियों का नाम क्या है, कितने साल? एक बच्ची हमारी ये 15 साल की आफरीन और दूसरी बच्ची है अलसिफा, वो 3 साल की। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।